फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी में घर पे पढ़ाई करना और घर पे ही पढ़ाई करते हुए एग्ज़ाम्स देना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए घर से पढ़ाई करना जितना संभव हो उतना अच्छे तरीके से करें, वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो अक्सर सोचते हैं कि हम अपने घर में डिस्ट्रैक्शन के बगैर अच्छे तरीके से कैसे पढ़ें, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप आसानी से घर में आराम से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, टिप नंबर 1 है एस्टैब्लिश रूटीन, यानी कि दिनचर्या बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप घर से पढ़ रहे हो तो आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप कितने बजे जागोगे, कितने बजे नाश्ता करोगे, कितने बजे फ्रेंड से मिलोगे या फिर कितने बजे पढ़ाई करोगे। ऐसा आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप तय किए गए समय पर पढ़ने के लिए अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार रख पाओगे। टिप नंबर 2 है क्रिएट टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने से आपको समय को इस्तेमाल कैसे करना है उसमें मदद मिलेगी। आप कौन से और कितने समय तक कौन सा विषय पढ़ोगे उसका एक शेड्यूल बनेगा और उसको आप लिख के रख दे। आपको ब्रेक को भी शेड्यूल करना जरूरी है। टाइम टेबल की मदद से आपको कितना एक दिन में पढ़ना है और कौन सा विषय लेना है और ब्रेक कब लेना है और कितना लेना है उसका एक शेड्यूल बनेगा। टिप नंबर 3 है स्टडी एट द राइट टाइम, यानी कि सही समय पर पढ़ें। प्रत्येक स्टूडेंट का अपना दैनिक ऊंचाई और चढ़ाव है। कुछ लोग रात को पढ़ना पसंद करते हैं तो कुछ लोग दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। अपने दिन और समय के अनुसार पढ़ें। जबरदस्ती से अपने आप को समय में ढालकर ना पढ़ें। अपने समय के अनुसार पढ़ें जब आप ध्यान लगाकर और अच्छे से पढ़ सकते हो। टिप नंबर 4 है डेजिग्नेटेड स्टडी एरिया, यानी कि स्टडी करने की जगह निश्चित करें। घर से पढ़ते समय ध्यान दें कि आपकी पढ़ने की और आराम की जगह आपके पढ़ने के समय में सहायक रहेगी। सोने के लिए बेड और पढ़ने के लिए अलग जगह बनाएं, ताकि आपको नींद आए और फुर्ती से आप पढ़ सके या फिर बिना कोई आवाज या कोई परेशानी से पढ़ सके। पढ़ने की जगह साफ होने के साथ व्यवस्थित भी होनी चाहिए, यानी कि सारी चीजें जगह पर होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वही सामान आपके आसपास और अच्छे से रखें, ताकि पढ़ते वक्त आपके समय की बर्बादी ना हो और आप अच्छे से पढ़ सके। टिप नंबर 5 है टेक नोट फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो। ऑनलाइन क्लासेस के समय नोट्स बनाने से आपका ध्यान पढ़ाई में रहेगा और आपके हाथ भी उसको लिखने में व्यस्त रहेंगे। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर भी आपको ऐसे कई वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मेन पॉइंट्स और वो भी संक्षेप में आपको अपने शब्दों में बनानी है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड है या फिर कोई डेफिनेशन है उसको भी आपको नोट करके रख लेना है। टिप नंबर 6 है कीप रूटीन फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड सोशल टाइम। आपको अपनी शारीरिक क्रिया और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने पर भी ध्यान देना होगा। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, खिड़की पे खड़े रह सकते हो, रूम के अंदर घूम सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, परिवार से बात कर सकते हो, उनके साथ फोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे चैटिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और वो आपकी स्टडी में हेल्पफुल रहेगी। टिप नंबर 7 है अवॉइड मल्टीटास्किंग। आप एक दिन में समय के अनुसार काम ले सकते हो। आप अपना शेड्यूल के अनुसार कोई सब्जेक्ट या फिर काम ले सकते हो, जिससे आप एक चीज या फिर आप एक सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हो। एक साथ दो काम या फिर दो सब्जेक्ट लेने से आप उस काम पे या फिर उस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम पर आप अपने मोबाइल या फिर गेम से दूर रहे। टिप नंबर 8 है यूज टाइमर। टाइमर का उपयोग करें। टाइमर सेट करने से आपको काम पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिलती है। टाइमर आपको समय पर काम करने में मदद करता है, जिससे आपको अपनी पढ़ाई को सही ट्रैक पर रखने में सहायता मिलती है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 9 है क्विज योरसेल्फ, मॉक टेस्ट या फिर ऑनलाइन क्विज। अपने आप को प्रश्न करना एक पुराना तरीका है, लेकिन यह एक स्टूडेंट के रूप में आपकी याद शक्ति को सुधार करने के लिए सबसे कुशल तरीका है। सेल्फ स्टडी करने के लिए आप ऑनलाइन कुछ मॉक टेस्ट और क्विज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको नेट पे ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट और क्विजेस मिल जाएंगे। टिप नंबर 10 है रीराइटिंग और राइट इट डाउन। 21st सेंचुरी में स्टूडेंट के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हाथ की उंगलियों पर, लेकिन पुनर्लेखन यानी कि रीराइटिंग एक ऐसा फिजिकल कार्य है जिसमें पेन और पेंसिल से पेपर पर लिख के याद रखना आज भी एक अच्छा तरीका माना जाता है, जिसकी मदद से एक बार लिखा आपको परीक्षा में याद करने में मदद करता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि लिख कर याद रखें।
टिप नंबर 11 है ईट वेल स्लीप वेल मेमोरी वेल। जब आप पढ़ते हो तो हेल्दी खाना खाएं और दोपहर को ऐसा भोजन करें कि आपको नींद ना आए। रात को 7 से 8 घंटे की नींद लें ताकि आपकी सुबह फ्रेश हो और आप पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। पढ़ाई करते वक्त अच्छा भोजन और नींद आपके दिमाग की सारी जानकारी को याद रखने में मदद करता है। टिप नंबर 12, शेयर योर स्टडी प्लान विथ योर फैमिली। अगर आपका परिवार आपके पढ़ाई के समय घर पर है तो अपना पढ़ाई का टाइम टेबल उनके साथ शेयर करें ताकि वो जानते हो कि आपकी पढ़ाई का समय और जगह क्या है, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। टिप नंबर 13 है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। स्टडी का एकमात्र पहलू है कि प्रैक्टिस करें। आपको कठोर अभ्यास करने से चीजें जल्दी याद रहती है। अलग तरीके से और लॉजिक से प्रश्नों को हल कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टिप नंबर 14 है लीव टैबलेट एंड फोन इन अनदर रूम एंड पुट ऑन साइलेंट मोड। अपने टैबलेट और फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दे और उन्हें साइलेंट मोड पर रख दे ताकि आप ना तो फोन को देखें और उनका इस्तेमाल करने के लिए आकर्षित हो। इसलिए दूसरे कमरे में फोन और टैबलेट को रखने से आपको उसको लेने जाना पड़ेगा और वो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। टिप नंबर 15 है रिलैक्स। हमारी अंतिम टिप यह है कि आराम करें। सेल्फ स्टडी के लिए आवश्यक है कि आप अच्छी तरीके से ब्रेक लेकर बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ाई करें। ब्रेक लेकर स्ट्रेस लिए बिना पढ़ाई करने से वो लंबे समय तक के लिए याद रहता है और पढ़ाई के लिए ये बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार मेरी चैनल को विजिट कीजिए। आपको ऐसी और भी कई सारी वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। और आपको मेरी चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।